गुस्ताखी या अबंडेंस का माइंडसेट इंसान के चंद बड़े असबाब रिस्क में शामिल है। ये माइंडसेट रखने वाला फर्द, मर्द हो या औरत, ये यकीन रखता है कि इस दुनिया में सब के लिए बहुत कुछ है, किसी शय की कमी नहीं है। ऐसा आदमी चीजों की फरावानी और वसत को देखता है, ना कि किल्लत को। ऐसा फर्द जब दूसरों को मिलता हुआ देखता है तो उसे ये खौफ नहीं होता कि अगर किसी दूसरे को मिल गया तो वो महरूम रह जाएगा। किल्लत का ये खौफ दरअसल गुर्बत का माइंडसेट है। इसके मुकाबले में प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट है, अबंडेंस माइंडसेट है। ये माइंडसेट रखने वाले ख्वातीनों हजरात जानते हैं कि दौलत या रिस्क महज चंद मादी और जाहिरी चीजें जमा करना नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के हर शोबे में किल्लत से बेपरवाह रहते हुए जिंदगी बरतने का अमल है। खुशहाली और फराखी का माइंडसेट चूंकि आदमी को चीजों की अदम मौजूदगी के खौफ से निकाल देता है, लिहाजा ऐसा फर्द अपने तई ज्यादा हासिल करने के काबिल होता चला जाता है। इस तरह उसकी जिंदगी का हर शोबा वसी तर और फरामा होता रहता है। यूं ऐसे फर्द की पूरी जिंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। इस कायनात और खासकर इस दुनिया के हर शोबे और हर मामले में फरावानी और वसत का यकीन रफ्ता रफ्ता आम जिंदगी में भी हकीकत बनकर सामने आता है। यूं प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट रखने वाले अफराद अपनी जिंदगी में मनफी जज्बात और एहसासात का तजुर्बा कम करते हैं, कम डिप्रेशन, एंजाइटी और खौफ का शिकार होते हैं, जबकि खुशी, सरशारी और इंस्पिरेशन ऐसे लोगों के साथ हरदम रहती है। अब एक अहम सवाल यहाँ ये है कि फराखी या वसत का माइंडसेट कैसे इख्तियार किया जाए। इसके लिए एक और वीडियो अलग से तैयार की गई है, वो मुलाहिजा फरमाइए।